हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोपाल आर्किटेक्चर में। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ एक स्मॉल साइज़ के मॉड्यूलर किचन के बारे में। मेरे पास जो दोस्तों किचन का साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ में है, तो मैं आपको इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल, आप देख रहे हैं गोपाल आर्किटेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है, मैं आपको इसके प्लान के बारे में बताता हूँ। ये दोस्तों हमारा किचन है, जिसमें जो हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो 13 फीट 4 इंच का लेंथ में है और 2 फीट दोस्तों डेप्थ में है। और यहाँ पर ये दोस्तों हमारा लिविंग एरिया है। तो दोस्तों, हमारा ये सिंगल प्लेटफॉर्म है, हमने इसमें अपने किचन को डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें दोस्तों हमने यहाँ पर बीच में स्टोव रखा हुआ है और ये हमने दोस्तों राइट साइड में फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है और यहाँ पर ये दोस्तों लेफ्ट साइड में हमने सिंगल वॉल में सिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने इसमें जो कैबिनेट दिए हुए हैं मैं उनके बारे में आपको पहले बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये कुछ कैबिनेट हैं जिनके मैंने लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें सबसे पहले कटलरी, जो कटलरी का बॉक्स है वो हमने एक रखा हुआ है, ग्रैंड ट्रॉली दोस्तों मैंने दो एक रखा हुआ है, और वाटर पुल आउट का जो कैबिनेट है दोस्तों वो मैंने एक रखा हुआ है, और कप एंड साउसर दोस्तों मैंने दो रखे हुए हैं, और बिग बास्केट दोस्तों मैंने एक रखा हुआ है, बिग यूटेंसिल्स दोस्तों मैंने एक रखा हुआ है, और GTPT रैक मैंने दोस्तों दो रखे हुए हैं, और थाली प्लेट इंसर्ट दोस्तों मैंने एक रखा हुआ है, और ये डस्टबिन के लिए मैंने एक रखा हुआ है, और डिटर्जेंट ड्रॉर मैंने एक रखा हुआ है, और ओवरहेड कैबिनेट दोस्तों मैंने दो रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इसके एलिवेशन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टोव की तरफ। तो ये दोस्तों हमारा सेंटर में जो हमारा पूरा टोटल लेंथ है उसके सेंटर में दोस्तों हमने ये स्टोव रखा हुआ है, और स्टोव के जस्ट ऊपर दोस्तों हमने यहाँ पर ये चिमनी दी हुई है जो कि हमारे 3 फीट विड्थ में है, और स्टोव के जस्ट नीचे दोस्तों हमने यहाँ पर ये कटलरी ड्रॉर दिया हुआ है, नीचे दोस्तों हमने ग्रैंड ट्रॉली दिया हुआ है। ग्रैंड ट्रॉली में जो हम आटा वगैरह होता है वो दोस्तों हमें अपने ग्रैंड ट्रॉली में रख सकते हैं, और यहाँ पर ये दोस्तों हमने बोतल पुल आउट दिया हुआ है जो जिसका साइज दोस्तों 7.5 इंच है, जिसमें अपने बोतल वगैरह अपने रख सकते हैं, सॉस वगैरह की दोस्तों जो बोतल होती है वो अपने इस बोतल पुल आउट में रख सकते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों हमने 2 फीट वाइड में हमने बिग बास्केट के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर दोस्तों मैंने कप एंड साउसर के दो अलग ड्रॉर दिए हुए हैं, और ये दोस्तों बिग बास्केट के राइट साइड में हमने ये फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है जो कि हमारा 3 फीट में है, और यहाँ पर ये दोस्तों जो हमारी ग्रैंड ट्रॉली है, ग्रैंड ट्रॉली के जस्ट लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पर दो अलग कैबिनेट रखे हुए हैं, जिसमें हमारा नीचे वाला जो कैबिनेट है दोस्तों वो हमारे विग यूटेंसिल्स का है, ऊपर वाला कैबिनेट दोस्तों हमने ये थाली प्लेट इंसर्ट का दिया हुआ है। तो घर के जो दोस्तों जो बड़े बर्तन वगैरह होते हैं वो हम अपने विग यूटेंसिल्स में रख सकते हैं, और दोस्तों जो बड़ी थाली वगैरह जो होती हैं उन्हें हम अपनी थाली प्लेट इंसर्ट में रख सकते हैं। और यहाँ पर ये दोस्तों हमारा जो बिग बास्केट है, बिग बास्केट में जो हमारी सब्जियाँ वगैरह होती हैं वो हम अपनी बिग बास्केट में रख सकते हैं, और ये दोस्तों कप एंड साउसर, कप एंड साउसर में दोस्तों हमारे जो कप और जो जो छोटी प्लेट होती हैं वो अपने इस कप एंड साउसर में रख सकते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों मैंने अलग कैबिनेट दिया हुआ जो कि हमारा सिंक के नीचे है, यहाँ पर ये डस्टबिन और ये हमने डिटर्जेंट ड्रॉर के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, तो हम अपने जो डिटर्जेंट ड्रॉर होगा वो हमारे यहाँ पर होगा, और जो हमारा डस्टबिन होगा वो हमारा इसके सिंक के जस्ट नीचे होगा। और अब हम चलते हैं दोस्तों ओवरहेड कैबिनेट की तरफ। तो यहाँ पर ये दोस्तों हमारे ओवरहेड कैबिनेट हैं जो कि हमारे 2 फीट 3 इंच में हमारा ये ओवरहेड कैबिनेट बना हुआ है, जिसमें हमारे दो पल्ले लगे हुए हैं, और ये दोस्तों हमारा चिमनी है, चिमनी का साइज़ दोस्तों हमारा 3 फीट वाइड है, और यहाँ पर भी दोस्तों मैंने दो ओवरहेड कैबिनेट दिए हुए हैं जिनका दोस्तों साइज़ है वो हमारा 2 फीट 3 इंच है, जिसमें दो पल्ले लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये दोस्तों हमने GTPT रैक दी हुई है। GTPT रैक का मतलब दोस्तों होता है ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे, जिसमें हम अपने जो डेली यूज के कप एंड प्लेट होती हैं उनको हम अपने इस GTPT रैक में रख सकते हैं, जिससे कि हमारे जो उन्हें धुलने के बाद GTPT रैक में डाल देते हैं, उनसे जो पानी निकलता है वो हमारा सीधा सिंक में जाता रहता है। तो हम अपने GTPT रैक को हमने इस सिंक के जस्ट ऊपर रखा हुआ है। तो दोस्तों, आज की हमारे जो किचन के डिजाइन है वो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि दोस्तों आप भी अपने किचन का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, या फिर अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, या फिर अपने घर का 3D इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।
तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपको ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।